गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 3 मई 2019। तो चलिए 3 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को अभी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का पहला भाग गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है। तो वरुण वरुण का पहला संस्करण ये किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच। किन दो देशों के बीच? तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है वरुण। इसका पहला भाग गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा जानकारी के अनुसार मिशन चंद्रयान को किस समय लॉन्च किया जाना प्रस्तावित किया गया है? चंद्रयान आप जानते हो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है, तो इसको किस समय में लॉन्च किया जाएगा, यानी इसका क्या डेट फिक्स किया गया है? ये क्या गया है, 9 से 16 जुलाई, 9 से 16 जुलाई के बीच इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जापान का नया सम्राट बना है? तो जापान का न्यू वहां जो सम्राट है, एम्परर है, वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं नारुहितो। नारुहितो जापान के नए सम्राट बन गए हैं। हाल ही में अभी आपको पता होगा कि उनके पिताजी जो अकिहितो हैं, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? अकिहितो, जो अभी वहां के सम्राट थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए। ठीक है, अब वहां न्यू सम्राट नियुक्त हुए हैं, उनके बेटे नारुहितो। ठीक है, और इनके साथ ही वहां पे किस वंश का यानी किस काल का आरंभ हुआ? तो ये हुआ रेइवा वंश। क्या हुआ? रेइवा, ये वंश आप याद रखना। ठीक है, रेइवा वंश का शुरुआत हुआ। अब ये जो वंश का नाम रखने का प्रचलन है ये उन्होंने चीन से लिया हुआ है। ठीक है, चीन में ऐसा जब सम्राट हुआ करते थे तो चीन में ऐसा पद्धति था कि हर एक सम्राट के आने पर न्यू वंश का शुरुआत होता था, उनका कैलेंडर चेंज होता था। तो इसी तरह से जापान में भी होता है। तो जापान के अभी सम्राट कौन है? ये है नारुहितो, और वहां पर किस वंश का शुरुआत हुआ है? रेइवा वंश का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी भारतीय निशानेबाज महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कौन बन गई है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में? तो ये कौन है? ये है अपूर्वी चंदेला। कौन है? अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला ये भारतीय निशानेबाज है और 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, और उनका जो रैंकिंग पॉइंट है वो कितना है? वो है 1926, ये है उनका रैंकिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बैंक नोट ऑफ द ईयर, बैंक नोट ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कनाडा को। किसको किया गया है? कनाडा को। तो कनाडा में नोटों के डिजाइन और आकर्षण को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। $10 कीमत वाले कनाडियाई नोट को 2018 के बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा? $10। ठीक है, $10 का जो कनाडियाई नोट है उसको बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह दुनिया का पहला वर्टिकल नोट है। कौन सा नोट है? वर्टिकल। हम लोग हॉरिजेंटल यूज करते हैं लेकिन ये पहला वर्टिकल नोट है। ये कौन सा है? ये $10 कनाडियाई डॉलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वायुसेना के उप प्रमुख का बात किया जा रहा है। तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ये क्या है? एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया ने। किसने किया है? एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया ने। आपको यहां से पता होना चाहिए वायुसेना का प्रमुख अभी कौन है। ये कौन है? ये बीएस धनोबा। कौन है? बीएस धनोबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जगह है? वो है सनौली। ठीक है, कौन सा जगह है? सनौली। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के सनौली में पुरातत्विक उत्खनन के दौरान 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और अन्य अवशेष खोजे गए हैं। ठीक है, और इन अवशेषों में अगर आप बात करो तो ये चावल, कोठरियां, बर्तन, ये सब भी शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष घोषित किया गया है। मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब का पहला ऐसा अध्यक्ष जो गैर ब्रिटिश है, ये कौन घोषित हुआ है? ये कुमार संकारा। कुमार संकारा, आप जानते हो कुमार संकारा ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी है, ठीक है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा को हाल ही में मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब इसका पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष घोषित किया गया है। उन्हें अगले एक वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो 233 वर्षों में, ठीक है, पिछले 233 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई गैर ब्रिटिश क्रिकेटर मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है? तो कौन है वो? वो है मसूद अजहर। मसूद अजहर को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूएन के प्रतिबंध समिति के द्वारा। को पता होगा कुछ दिन पहले भारत, कुछ दिन पहले नहीं, बहुत लंबे समय से भारत इसका मांग कर रहा था और बहुत सारे देशों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन एक चीन था जिसने इसका सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और इन्होंने, चीन ने इसको होल्ड पर रखा हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू लगाकर, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके कारण से चीन को ये मानना पड़ा और अभी यूएन ने मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अभय श्रीनिवास ओका को नियुक्त किया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से 150 करोड़ रुपए में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के बाद नेशनल हाउसिंग बैंक का अधिग्रहण करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया हुआ था एनएचबी या नेशनल हाउसिंग, इसको बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, ये आरबीआई के अंडर में था, आरबीआई इसका 100% शेयर अपने पास रखा हुआ था, लेकिन अभी आरबीआई ने इसको सेल कर दिया और भारतीय सरकार ने इसको खरीद लिया है, ठीक है, और ये कितना करोड़ रुपए का है? ये है 1450 करोड़ रुपए का, 1450, ठीक है, 1450, यानी आपका सही आंसर है सी, इतने करोड़ रुपए में पूरी हिस्सेदारी सरकार के द्वारा खरीद लिया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक का आरबीआई से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो कौन सी वो कंपनी है? वो कंपनी है सेल। सेल ने अपने अभी वर्तमान कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम शुरू किया है। सेल का ये कहना है कि जनवरी 2007 या उसके बाद कंपनी के वेतन भुगतान पर थे जो भी कर्मचारी कंपनी के वेतन भुगतान पर थे, साथ ही 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद के वेतन भुगतान पर गैर कार्यकारी कर्मचारी थे, इन सभी को इस योजना में शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत लगभग 55,000 से अधिक पूर्व कर्मचारियों को भी कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत पूरे देश में डेज को मनाया गया, तो आयुष्मान भारत दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं 30 अप्रैल को, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस आपको पता होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, ठीक है, जिसको अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत, और ये इसका अनाउंसमेंट हुआ था 14 अप्रैल को, इन्होंने जो पहली बार नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था ये किया था 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, ठीक है, लेकिन ये लागू हो गया था सितंबर में जाके ये लागू हुआ था, और इस दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 अप्रैल को। इसका क्या रीज़न है 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करने का? तो ग्राम स्वराज अभियान, कौन सा है? ग्राम, ठीक है, ग्राम स्वराज अभियान के तहत इसको मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि 2018 में चालू ही किया गया है, तो इस बार हम लोग मना रहे हैं और हर वर्ष मनाया जाएगा 30 अप्रैल को, किसके रूप में? आयुष्मान भारत दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि डैश द्वारा शुरू किए गए एवरेस्ट क्लीनिंग अभियान के एक भाग के रूप में माउंट एवरेस्ट से कुल 3000 किलोग्राम ठोस कचरा एकत्र किया गया, यानी एवरेस्ट क्लीनिंग अभियान किसने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो किसने शुरू किया है? ये क्या गया है? नेपाल के द्वारा।
आपको पता होगा कि नेपाल ने अभी एवरेस्ट क्लीनिंग अभियान शुरू किया है, और इसके तहत इसने 3000 केजी किलोग्राम जो है वो ठोस कचरा निकाल चुका है ये। और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2019 को इस अभियान का शुरुआत हुआ था। और लक्ष्य कितना रखा गया है? लगभग 10,000 किलो कचरे को वापस लाकर सुरक्षित रूप से व्यवस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत, ताकि जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा चोटी है उसको क्लीन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, कैम्मा देश है, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक छूट गया, सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा कैम्मा देश है, क्या पोजिशन है इसका, ठीक है? तो सबसे बड़ा चौथा देश है ये, कौन सा देश है? चौथा। तो अगर सैन्य खर्च में आप देखो तो रैंकिंग करो तो इसमें से भारत चौथे नंबर पे आता है, ये था क्वेश्चन, ठीक है? तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूएस यानी अमेरिका, ठीक है? दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, और चौथे नंबर पे है भारत। चौथे नंबर पे कौन है? इंडिया। और पांचवें नंबर पे कौन है? टॉप फाइव आपको पता होना चाहिए, पांचवें नंबर पे कौन है? ये फ्रांस, ठीक है? एक बार फिर से आप सुन लो, पहले स्थान पे यूएस, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे सऊदी अरब, चौथे स्थान पे इंडिया, पांचवें स्थान पे फ्रांस। तो ये टॉप फाइव है जिन्होंने 2018 में सैन्य के डिपार्टमेंट में बहुत अधिक खर्च किया है। ओके गाइस, तो अब आगे का जो तीन क्वेश्चन है वो जो कल मैंने आपको पूछा हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो आज का आपका जो उस तीनों क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मैंने आपको ये पूछा हुआ था। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसी चीजें याद नहीं होती है, ठीक है? जैसे सीएम हुए, गवर्नर हुआ, या कोई भी डेट हुआ, उनको याद नहीं होता है। तो याद आपको किस तरह से होगा ये आपको खुद सोचना है। देखो, अगर आपको याद करना है तो आपको पर डे एक टारगेट फिक्स करना होगा कि आपको आज जिस सीएम आप याद कर रहे हो, मैंने आपको 3 का टारगेट दिया, आपको बहुत ज्यादा टारगेट नहीं उठाना है कि आप उसको याद कर ही नहीं पाओ या दिन भर बैठ के वही रटते रहो। आपको 3 जैसे मैंने दिया तो 3 आपके लिए अभी मैक्सिमम है, अगर आपने याद अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है? 3 आप क्या करो, आप किसी रफ कॉपी में या आपके पास अगर बोर्ड है तो वहां पे ये 3 राज्य का नाम लिख दो, ठीक है? और आपको इसका सीएम लिखना है, बस सीएम। और अगर ज्यादा आपको करना है, दिमाग आपका थोड़ा शार्प है, तो सीएम और उसके साथ साथ वहां का गवर्नर भी, ठीक है? तो ये दो चीजें बस 3 का ही याद करना है, आप दिमाग में ये सेट कर लो, ठीक है? आप क्या करोगे, 3 का अगर रफ कॉपी में आपने लिखा हुआ है तो आप सुबह एक बार याद करके उसको मेमोराइज करके एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है? उसके बाद आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसको दवाई की तरह लिया करो, ठीक है? जब फिर आप दोपहर में फिर बैठो तो एक बार फिर से नोट डाउन कर लो या एक बार लिख लो, सिर्फ पढ़ना मत, लिख लो इसको। आंध्र प्रदेश सीएम कौन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सीएम कौन, असम सीएम कौन, ये तीनों आपने लिख लिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर से एक बार देख लो, ठीक है? शाम में एक बार फिर से लिख लो, रात में एक बार सोने से पहले एक बार देख लो, ठीक है? और दूसरे दिन सुबह एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो। आपको अगर इन सारी चीजों को करने में मुश्किल से टाइम लगेगा तो वो है 1 मिनट से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी किल नहीं होता है, और आप देखोगे 10 दिन के बाद जो आपको याद होगा वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से याद होगा, ठीक है? क्योंकि चीजें आपको एक बार रटने से नहीं होता, वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद होता है। डेट का भी यही फंडा है, डेट आप देखते हो अच्छे स्टूडेंट का ये कैपेसिटी उनको याद करने का ज्यादा होता है, क्योंकि वो रटते नहीं है, वो बार बार रिपीट करके उसको समझ के याद कर लेते हैं, ठीक है? यही है प्रोसेस, आपको याद अगर रखना है लंबा टाइम तक कोई भी चीज तो। चलिए, जो कल मैंने आपको पूछा था, ठीक है, उसका आपका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मैंने पूछा था आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो ये है चंद्रबाबू नायडू, ठीक है? और आंध्र प्रदेश अगर आया हुआ है तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं सीएम करा रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं गवर्नर बता दे रहा हूँ, और सीएम खत्म होते ही फिर मैं गवर्नर पे आऊंगा और उस वक्त फिर से मैं सीएम बताऊंगा। तो आपको 2-3 बार अगर रिवाइज आप बीच बीच में करते रहो तो आपके लिए काफी याद हो जाएगा। तो अभी मैं बता देता हूँ आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, कौन है? ये है नरसिम्हा, ESL नरसिम्हा, ठीक है, ESL नरसिम्हा, ये है आंध्र प्रदेश के गवर्नर, और सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कहाँ है?
अमरावती और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैं तीन पूछूंगा इसका थोड़ा सा मैं डिटेल भी आपको बताता चलूंगा। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश के बारे में बता दूं, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, अभी देखो हाल ही में इलेक्शन हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबका। आप एक बार, मैं तो ये बोलूंगा आप जब तक मैं कवर करवा रहा हूं आप टाइम निकाल के सबका याद कर लो और यहाँ पे मेरे साथ साथ रिविजन करो उसका, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के सीट कितने हैं, ये है 11, और लोकसभा में कितने हैं, ये है 25, ठीक है। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11, ठीक है। लोकसभा 25 और राज्यसभा 11, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लोग अगर आंध्र प्रदेश का बात करें तो वहां पे जो विधानमंडल है वो कैसा है, वो बाइकैमरल है यानी द्विसदनीय है। वहां पे लोकसभा, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है, ठीक है। तो मैं उसका भी नंबर नहीं बता रहा हूँ, विधानसभा में और विधान परिषद में कितना सीट है ये अभी मैं आपको सबका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। आप अभी राज्यसभा लोकसभा याद रखो, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लोकसभा में कितना सीट हुआ, ये हुआ 25, और राज्यसभा में कितना हुआ, 11, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के सीएम, वर्तमान सीएम कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है अरुणाचल प्रदेश के सीएम, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, ठीक है। बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये पेमा खांडू, इसलिए आपको नाम इनका पता होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में, ठीक है। गठन का डेट जो स्टेट में पढ़ा रहा हूँ, आप एक दिन में टारगेट फिक्स करो कि इसका हमको सब चीज़ याद रखना है मेरे पढ़ाने के बाद। तो डेट भी आपको याद रखना है, ईयर आपको मस्ट है याद रखना ही पड़ेगा। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसकी राजधानी है ईटानगर, और इसके अभी वर्तमान सीएम कौन है, ये है पेमा खांडू, ठीक है। और वहां के गवर्नर कौन है, अगर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का बात करें तो वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा। कौन है, बीडी मिश्रा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हो, देखो बायकैमरल और यूनिकैमरल जो मैं बता रहा हूँ सबका, वो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा बायकैमरल है। तो टोटल 7 ही ऐसे राज्य हैं जो बायकैमरल है, रेस्ट जो बचा है वो सब यूनिकैमरल है, ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा का सीट का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में मात्र 2 सीट है, ठीक है, और राज्यसभा में 1 सीट है। तो लोकसभा में कितना सीट है अरुणाचल प्रदेश से, मात्र 2 सीट, और राज्यसभा में 1 सीट, ठीक है। और हाईकोर्ट का बात करें तो आपको पता होगा गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला था आपका असम, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, असम या असम, असम का नाम चेंज हो गया आपको पता होगा, और ये है असम अभी। तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, सर्वानंद सोनोवाल, जो बीजेपी के कैंडिडेट है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। और अगर इसके कैपिटल का बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल है दिसपुर, असम का कैपिटल दिसपुर, आप जानते हो। और अगर लोकसभा के सीट का बात करें तो लोकसभा में कितने सीट हैं असम से, और राज्यसभा में कितने सीट हैं असम से, तो लोकसभा में सीट है टोटल 14, कितना सीट है 14, और राज्यसभा में 7, कितना सीट है लोकसभा में, लोकसभा में 14 सीट और राज्यसभा में 7 सीट, ठीक है। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे जो आज का क्वेश्चन है यानी आज के तीन क्वेश्चन जो आपको कमेंट करने हैं, जिसका आंसर आपको आंसर ढूंढना है, वो ये है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और अगर हो सके तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताया ये आप रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो, और कल फिर से मैं एक बार बता दूंगा तो आपका डबल रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन राज्य है जिसका कल आपको, सॉरी आज आपको कमेंट में आंसर करने हैं, ठीक है। अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है, उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है ये मैंने पूछा था, उसका सही आंसर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर हैं।
और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो तीन क्वेश्चन के अलावे जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है वो आपके प्रीवियस सेशन से होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमेशा प्रीवियस सेशन से होता है ताकि मैं आपको जांच कर पाऊं कि आपने कल का सेशन अच्छे से किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में एक शहर में 24 घंटे में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज की संख्या के लिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।